चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन देश भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। अयोध्या के लिए इस बार का राम जन्मोत्सव ऐतिहासिक था, क्योंकि अस्थाई राम मंदिर में रामलला का यह आखिरी जन्मोत्सव रहा। 2024 में रामलला अपने स्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अयोध्या के कनक मंदिर, श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित अस्थायी मंदिर, श्री राम वल्लभ कुंज मंदिर समेत सभी मंदिरों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना और आरती शुरू। मंदिर सजाए गए हैं और साथ साथ जो चूंकि गुरुवार का दिन है उस दिन पीले वस्त्र को धारण कराए जाएंगे और कराए गए हैं, और साथ साथ प्रसाद का जो वितरण है वह अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो गया है और उसको भोग लगेगा और वह प्रसाद जो है भक्तों के बीच में वितरण किया जाएगा। इसने बड़े ही भव्य दिव्य रूप से इस वर्ष रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। रामनवमी पर पवित्र घाटों में स्नान की परंपरा है। सरयू तट पर सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दूर दूर से आकर आस्था की डुबकी लगाई और मंदिरों और मठों का रुख किया। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं भिंड जिला से आया हूँ, MP से, और खास तौर पर रामनवमी ही मनाने यहाँ आया हूँ। नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनके प्रतीक के रूप में कन्या पूजन की भी परंपरा है। ये नौ जो है कन्याओं को खिलाने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है उसके ऊपर, और माता के इच्छा से ही स्त्रियों में सुहाग की प्राप्ति होती रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती रहती है। आप तो देख ही रहे हैं कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं कन्याओं को खिलाने के लिए। रामनवमी पर देश के मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी रही। दिल्ली के प्रसिद्ध झंडे वाला मंदिर के बाहर सुबह तड़के से ही भक्तों की लाइन लग गई थी। दर्शन के लिए लंबा इंतजार करने के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम होता नहीं दिख रहा था।